गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल खुशी लेडीज टेलर। एंड आज मैं आपको बताऊंगी कि पेपर पे ब्लाउज कटिंग कैसे की जाती है। अगर आपको पेपर पे, जैसे आपको एग्जांपल देना है कि ऐसे कटिंग होता है, या फिर आपके घर में अगर आप सिखाते हो, अगर आपको ब्लाउज नहीं बनाने आता है, अगर आप सिखाते हो एंड कोई आता है आपसे सीखने, तो आप सबसे पहले उसे पेपर पे ही कटिंग करना बताओगे। तो अगर आप भी टेलर स्टार्ट किए हो तो सबसे पहले पेपर पे ही स्टार्ट करोगे, तो इसलिए हम वीडियो पेपर पे बना रहे हैं ताकि आप भी समझ सको और अच्छे से ब्लाउज बना सको। तो वीडियो को स्किप बिना स्किप किए बिना आप हमारे वीडियो के एंड तक देखिएगा, ताकि आपको वीडियो के अच्छे से समझ आ जाए। एंड अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो है राजेश भैया के लिए, जो कमेंट करके बोले हैं क्या कि उनका कंधा गिर रहा है। तो कंधा एक रीजन है, कैसे गिरता है वो हम आपको उसमें हम ठीक करने के लिए बताएंगे कि जो आपका कंधा ना गिरे। तो राजेश भैया, आप मेरा चैनल देखकर आप कंधा को सुधार सकते हैं। तो सबसे पहले ये हम 32 नंबर ब्लाउज बना रहे हैं। सबका अलग अलग साइज होता है और अलग अथी होता है। तो देखिए, ये हमारा 32 नंबर ब्लाउज है। तो देखिए, पहले हम 32 प्लस और 4 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, बराबर 32 4 36 हो जाता है। ये 36, 36 का चौड़ाई हिस्सा आप देख सकते हैं, 32 प्लस 4 लेंगे बराबर 36 इंच। और 36 इंच का चौड़ाई हिस्सा यानी चौड़ाई भाग, यानी पहला भाग जो होता है 9 इंच होता है। 9 9 दुनिया 18, 9 3 27, 9 6 36 है। यानी हमारा जो ये 32 नंबर का ब्लाउज है, तो उसका हमारा कटिंग होगा 9 पर, और इसका जो हमारा कमेथी जो होगा वो हमारा कमर 28 इंच होगा। तो ये देखिए, हमारा 32 नंबर ब्लाउज है और हम 9 पर 32 नंबर ब्लाउज लेंगे। तो ये देखिए, हम 9 पर ले लिए हैं। और लंबाई, लंबाई रहा अपना अनुसार। अगर आदमी बहुत होता है कि बहुत आदमी लंबाई ज़्यादा पहनना चाहता है, ऐसे 32 नंबर ब्लाउज बनाने के लिए इसका लेंथ होता है 15 इंच। ये हमारा 32 का जो लेंथ होता है, ये हमारा जो 32 नंबर ब्लाउज है, 32 का लेंथ जो हिस्सा होता है, लंबाई हिस्सा, इसका हमारा 15 इंच होता है। और चौड़ाई हिस्सा जो होता है मार्जिन का 9 इंच होता है। ये हमारा 9 ले लेंगे। अब इसके बाद हम चौड़ाई हिस्सा आपका जो ये फोल्ड करेंगे कपड़ा को, सबसे पहले वो हम 9 ले लेंगे, और इसकी लेंथ जो हो हम 15 ले लेंगे। ये हमारा बैक साइड का है, फ्रंट साइड हम बाद में काटेंगे, पहले हम बैक साइड पे लगाएंगे तब फ्रंट साइड में लगाएंगे। और ये हमारा ये 32 नंबर का सिंगल टुकी है, ये हम सिंगल टुकी का कटिंग करने बताएंगे आपको। तो देखिए, कंधा हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें क्या करेंगे, 5.5 इंच का हम कंधा लेंगे, 5.5 इंच हम कंधा लेंगे। बाजू के लिए लेंथ हम 5.5 लेंगे, ऐसे आप लेके हम मिलान कर देंगे। और इधर से भी हम इस तरह, इसका कोई हमारा माप नहीं है, याद रखिएगा, इसका हमारा कोई माप नहीं है। और 1 इंच पर हम गोलाई ले लेंगे, जो बाजू लिए हैं तो हम 1 इंच पर इसमें गोलाई ले लेंगे। और गला के लिए, तो गला के लिए हम 2 इंच 2 पॉइंट लेंगे, 2.5 हम गला नहीं लेंगे, 2 इंच 2 पॉइंट लेंगे। और डीप गला, और डीप तो आप पे निर्भर करता है कि आप कितना डीप पहनना चाहते हैं, 9 10 11 जो भी डीप पहनना चाहते हैं वो आप पर निर्भर करता है। तो हम ये गला देखिए 10 इंच ले लिए हैं, और यहाँ हम 2.2 लिए, यानी 2 इंच 2 पॉइंट लिए, 2 इंच 2 पॉइंट लिए, ठीक। और यहाँ जो हम लेंगे 2.5 ले लेंगे, नीचे हमारा ऊपर से नीचे की ओर हमारा ज्यादा रहता है, याद रखिएगा, हमारा ऊपर से नीचे का साइड ज्यादा होता है। और उसके बाद हम ये इंची टेप से मिला लेंगे, यहाँ हाफ इस जगह हम 2.2 लिए, और नीचे ऊपर से हमारा ज्यादा होता है जो गला लेते हैं,
आप 5 पे, 6 पे, 7 पर, 8 पे, 9 पे, 10 पर, 11 पे, जितना आप डिप पहनना चाहते हैं वो आपके अनुसार रहेगा। और यहाँ हाफ इंच लेके हम गोलाई दे देंगे। उसके बाद ये हमारा ब्लाउज जो होगा 13.5 इंच पर फिनिश होगा। ये हमारा इतना जो होगा कपड़ा मार्जिन हो जाएगा, ये हमारा कपड़ा इतना मोड़ा जाएगा। इतना हम एक्स्ट्रा कपड़ा मोड़ने के लिए लेंगे। ये 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा कपड़ा जो लेते हैं मार्जिन कर लेते हैं। ये देखिए 1.5 इंच हमारा मार्जिन का है, क्योंकि पहले थोड़ा सा हम मोड़ते हैं उसके बाद 1 इंच मोड़ते हैं, पहले 1/2 इंच मोड़ते हैं उसके बाद 1 इंच मोड़ते हैं। ये हमारा 9 इंच पर है। इसका फिनिश जो ब्लाउज का होगा 8 इंच पर होगा। और यहां से इस तरह हम कपड़ा को मिला लेंगे। ये हमारा मार्जिन का निशान है, इतना मेरा कपड़ा मोड़ा जाएगा। उसके बाद 1/2 इंच हम 1/2 इंच यहां पर लेंगे, 1/2 इंच, और इस जगह से इस जगह हम मिला लेंगे ताकि आपका कंधा गिरे ना। इस कोना से लेकर 1/2 इंची की दूरी हम तिरछा मिलान करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम 1/2 इंच हम मिला लेंगे। इसका जो कट होगा हमारा हल्का तिरछा होगा। इससे क्या होगा राजेश भैया, जो आपका जो कंधा गिर रहा है उसमें आपका गला निकालने के बाद इस तरह देखिए, आप 9 इंच जो भी ब्लाउज बना रहे हैं 32 नंबर बनाइएगा, 4 लीजिएगा, 34 नंबर बनाइएगा, 4 लीजिएगा, 36 नंबर बनाइएगा, 4 लीजिएगा, और उसका डिवाइड करने का 4 से उसको डिवाइड कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका 32 नंबर ब्लाउज है, 32 + 4 लिए 36 हुआ, और 36 का पहला हिस्सा आपका 9 होता है, तो इसका हम भाग इसको भागा दे देंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 4 8 12, 4 नहीं देंगे तो इसको हम 9 से अगर डिवाइड देते हैं तो 9 9 2 18, 9 9 3 27, 9 6 36, 4 बार में 36 आता है, इसलिए हमारा इस जगह जो होता है 4 होता है। तो आपका ये कटिंग 32 का ये 9 पर कटिंग होगा। जैसे आप 34 बनाइएगा 9.5 पे कटिंग होगा, 36 बनाइएगा 10 पे कटिंग होगा, ये आपका लेंथ बढ़ते जाएगा। अब क्या करेंगे आगे के लिए, जो ये हमारा पीछे का साइड है और ये हमारा आगे का है। ये देखिए पीछे है मेरा और ये हमारा हिस्सा आगे है, यानी हमारा ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। बाजू के लिए हम 5.5 ही लेंगे और इस जगह से हम मिला लेंगे। और यहां से 1 इंच पर हम गोलाई ले लेंगे। गला के लिए सेम यही गला लेंगे और आगे जो टुकी का कट करेंगे वो हम 5 इंच पे कट करेंगे और यहां से हम मिला लेंगे। और यहां भी हम 1/2 इंची पर गोलाई कर लेंगे। अब रहा ये हमारा बैक साइड का जो होगा 15 था, तो ये हमारा आगे का फ्रंट साइड में 16 लेंगे और 16 लेके हम मिला लेंगे, बराबर कर लेंगे। अब हमारा 32 नंबर का जो टुक्की का माप कटेगा वो 11.5 11 पर हमारा कटेगा और ये जगह ये 11 पर लेकर हम इसका भी हम मिला लेंगे और इस जगह से हल्का सा डाउन देंगे,
हल्का सा इस तरह करके हम सिंफोनियत ही करेंगे, मिलान करेंगे। और नहीं तो आप सीधा लाइन लेकर, आप सीधा लाइन ले लीजिए यहाँ से इस तरह करके, और यहाँ से आप 1 इंच पर, ये हमारा बैक साइड है जो हम आपको 9 पे कटिंग करने बताए हैं, गला आपको 10 पे बताए हैं, यह 2.2 लिए हैं, यह 2.5 लिए हैं। सेम हमारा आगे का भी उसी तरह होगा, फ्रंट साइड में इसकी लेंथ 15 लिए थे तो इसकी लेंथ हम 16 पे लेंगे। और उसके बाद हम 11 इंच पर इसका टुक्की का मेप माप करेंगे और यहाँ से हम सीधा लाइन मिला देंगे। तो हम सीधा लाइन मिला दिए हैं। अब देखिए इस जगह से बंद भाग से, याद रखिएगा, गला से, गला का जो बंद भाग होता है उससे हम 1 इंच ऊपर लेंगे, 1.5 इंच, और 1.5 सवा इंच पर हम एक यहाँ लिए, एक एक दो दो लिए, यहाँ पर 1.25 इंच पर हम निशान लगा दिए। और 1.25 इंच पर निशान लगाने के बाद हम यहाँ से लाके तीन को मिलान कर लेंगे, यानी तिरछा मिला लेंगे। उसके बाद हम टुक्की के लिए 5.5 लेंगे बंद भाग से, याद रखिएगा, बंद भाग से हम 5.5 लेंगे। और बाजू यानी आप लोग वो जिसको आर्मोर बोलते हैं, हार्मोल जिसको है उससे, यानी बाजू से हम 2.5 लेंगे, बाजू से हम 2.5 लेंगे जिसमें हम 1 इंच का गोलाई लगाए हुए हैं। इस जगह से हम नहीं लेकर गोलाई हिस्सा से, याद रखिएगा, जो हम 5.5 पे बाजू लेते हैं उसकी गोलाई जो 1 इंच लेते हैं वहां से हम 2.5 पर लेंगे और इस जगह से हम मिला देंगे, इस जगह से हम मिलान करेंगे। देखिए ये हम मिला दिए हैं, आप देख सकते हैं। और इसका जो माप होगा इसी तरह सेम हम इधर भी 1/2 इंची लेके और इसका भी हम कट कर लेंगे इस तरह करके, ताकि हमारा कंधा गिरे नहीं। अब चलते हैं कट करने के लिए। तो इसको हम पहले यहां से कट करेंगे, हटा देंगे क्योंकि इससे हमको बाजू निकालना है। अब आते हैं, देखिए ये स्ट्रा हम ये सब कट कर लिए जो निशान लगाए थे। अब हम ये नीचे का जो हमारा पट्टी ज्वाइंट होता है टुक्की का बाद वाला, वो हम कट करेंगे। देखिए ये हम कट कर लिए हैं। अब आते हैं हमको टुक्की काटना है, तो इसको हम जो निशान लगाए हुए हैं इसको भी हम कट कर लेंगे। और यहां से पहले हम सीधा निकाल लेंगे। देखिए पहले सीधा निकाल लिए, उसके बाद हम आपको कट करके दिखाएंगे। ये हमारा फ्रंट साइड का निकल गया है, अब बैक साइड का गला कट कर लेंगे।
इसके बाद हम बैक साइड में जो है बंद भाग से 4.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और ऊपर की ओर हमारा अगर गला अगर छोटा रहता है तो हम 5 पर लेते हैं, अगर गला हमारा डीप है तो हम 4.5 पर इसकी लंबाई लेंगे। देखिए, और इसको हम इस तरह करके हम मिला देंगे। और इस जगह हम थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे ताकि आपको हमको पता चले कि ये हमारा मार्जिन का चिन्ह है। बीच वाला चिन्ह ना कट के साइड वाला हम चिन्ह काटेंगे, देख सकते हैं। और इस जगह भी हम इसी तरह लगाएंगे। इसकी बंद भाग से याद रखिएगा, बैक साइड में बंद भाग से 1.5 इंच पर ये तीरा का निशान लगाएंगे। ये हमारा तीर है और इसको हम इस तरह करके सिलाई करेंगे। देख सकते हैं इसी तरह हम यहाँ पर ये मार्जिन हमारा सिलाई का है, ये हमारा बैक साइड का है। गला देखिए बहुत सुंदर बैठा है और आप कोशिश कीजिएगा, ये हमारा बैक साइड का कट गया। अब आते हैं फ्रंट साइड में। फ्रंट साइड में ये पार्ट कट कर लिए हैं हम, इस पार्ट को भी बीचों बीच कट कर देंगे। अब आते हैं हमको टुक्की काटना है, तो टुक्की के लिए ये जो हमारा टुक्की है इसमें हमारा ज्वाइंट नहीं होगा, तो इसके लिए हम दूसरा टुक्की इससे बढ़ाकर काटेंगे। तो देखिए, ये हमारा जो कपड़ा है, ये मान के चलिए कि ये हमारा कपड़ा है, तो इस कपड़ा को हम पहले इस तरह डबल फोल्ड करेंगे। देखिए, ये हमारा 32 नंबर टुकी है, तो ये हम ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, मात्र इससे 1 इंच हम डिप करेंगे। आप देख सकते हैं हम 1 इंच ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, 1 इंच हम करेंगे बड़ा। तो इसको पहले हम बीचों बीच रखेंगे, 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच हम इधर रखेंगे बड़ा। और ये हमारा सिंगल टुकी है, और यहां से हम 1 इंच लेंगे, पहले हम इसको मिलान करेंगे। और इस जगह से हम फिर इसको भी हम मिलान कर लेंगे, ये हमारा बंद भाग है। और इस जगह से हम हल्का इस तरह उठा के गला का हम गोलाई शेप दे देंगे।
यहाँ भी हम हाफ इंच बढ़ाएंगे और बीच में क्या करेंगे, हम 1 इंच बढ़ा लेंगे। और दोनों को इस तरह करके हम मिला लेंगे। और इधर भी इस तरह करके हम मिलान कर लेंगे। गाड़ी देखिए, और ये इस तरह करके हम टुक्की निकाल लिए। इस जगह से हम 2.5 इंच लेंगे या 2.25 इंच, 2.5 या 2.25 इंच लेंगे और इसको हम बीचों बीच मिलान करेंगे। देखिए उसके बाद जैसे हम निशान दिए हैं सेम टुकी को हम कट कर लेंगे, उसके बाद आपको हम दिखा रहे हैं। ये हम सादा, ये सिंगल टुकी है, ये हमारा डबल टुकी नहीं है। तो भैया अगर आपको समझ में आता है तो आप मेरा वीडियो देखकर आसानी से वीडियो बन सिलाई करने जान जाइएगा। और ये स्पेशल राजेश भैया के लिए है। तो ये देखिए हमारा सिंगल टुकी है और इसको हम कट कैसे निकाले हैं आपको बता दिए हैं। इस कपड़ा से ये 32 नंबर का है कि इसको हम 1 2 इंच नहीं रखेंगे, 1 इंच दोनों ओर से रखेंगे, यानी हाफ इंच करके हम दोनों साइड से बढ़ाएंगे कपड़ा, हाफ इंच करते हुए बढ़ाएंगे। और ये गला से हम 2.5 इंच लेंगे और इस जगह से भी हम 2.5 यानी लेंगे, यानी दोनों भाग जो होगा हमारा 2.5 इंच का ही होगा। और इस तरह करके हमारा तिनकोनी टाइप में सिलाई होगा। और इस भाग को भी हम 2.5 इंच ही लिए हैं, आप 2 इंच भी ले सकते हैं, 2 इंच पर भी सी सकते हैं। और ये हम दोनों साइड 2.5 इंच करके लिए हुए हैं, देखिए। और देख सकते हैं ये हमारा टुक्की कितना सुंदर लुक दे रहा है, दोनों देखिए सेम बैठ गया है, आप देख सकते हैं। और आप बोल रहे थे क्या कि कंधा कैसे गिरता है, तो उसके लिए हम बता रहे हैं आपका कंधा भैया नहीं गिरेगा। तो वो हम गला का देखिए सेम जो बराबर निशान लगाए हुए हैं उसके बाद ये हम कट कर लेंगे। देखिए 1/2 इंच गला की ओर से 1/2 इंच लगाएंगे निशान और इस जगह से हम इस तरह करके कट कर देंगे। देखिए ये हम तिरछा जो कट किए हैं और थोड़ा सा 1/2 इंची यानी इतना लेकर अगर हम सिलते हैं तो हमारा कंधा कभी नहीं गिरेगा। और देखिए एक बात इसमें और है, यहाँ से हम एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा कपड़ा ले जाते हुए ये हम अंदर की ओर, ये बैक, ये हमारा फ्रंट साइड का है, बैक साइड में बाजू हम नहीं छाटेंगे, ये फ्रंट साइड का बाजू थोड़ा थोड़ा वो निशान लगाने के बाद में हम थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे। इससे क्या होगा आपका शोल्डर कभी नहीं गिरेगा, देख सकते हैं 1/2 इंच बाद में हम कट कर लेंगे। और इससे हम हल्का सा तिरछा से आपको देखिए निशान जो लगाए हुए हैं सेम देखिए बराबर आपका ये निशान है और उसके बाद 1/2 इंची गला की ओर से हम कट कर लेंगे, आप देख सकते हैं। और 1/2 इंच हम सिलाई कर लेंगे। इसी तरह हम बैक साइड में भी हम काट लेंगे, देखिए निशान लगाए हुए हैं, गला की ओर से आप 1/2 इंच निशान लगाइएगा और इसी तरह करके आप इसमें भी कट कर लीजिएगा, देख सकते हैं। और इससे क्या होगा आप देख सकते हैं, आपको हम खोल के दिखा रहे हैं, ये हिस्सा जो हमारा इस तरह करके आएगा और इसमें जो इस तरह करके ज्वाइंट होगा
और इस जगह सिलाई देके थोड़ा ज्यादा कपड़ा करके सिलिएगा, आपका कंधा कभी नहीं चुभेगा। आप गला साइड से हाफ इंच लीजिएगा, जब भी लीजिएगा गला साइड से लीजिएगा। और तो आप समझ गए हैं। तो आप देख सकते हैं यही मेरा था। और देखिए, और इसमें देखिए इस तरह करके हम सिलाई करेंगे, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कट लगा लेंगे ताकि आपको याद रहे दोनों साइड से कि आपको इस जगह सिलना है। और बीच में भी थोड़ा कट लगा लेंगे क्योंकि हमारा बीच का पार्शन पता चल सके कि सिलना है। इसी तरह हम दोनों में इसमें भी हम निशान लगा लेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा सिंगल टुकी है, आपको डबल टुकी भी हम बताएंगे। और चाहे तो आप इससे भी हम डबल टुकी यहाँ लाके आप इस तरह करके मिला सकते हैं। और इसको ऊपर थोड़ा बढ़ा दीजिएगा और इसको यहाँ से हम 3 इंच लेके और इसको हम यहाँ पर मिला सकते हैं चाहे तो। बाकी ये हम सिंगल टुकी काटे हैं और इसका देखिए सिलाई इस तरह होगा, आप देख सकते हैं। और इस देखिए ये हमारा दोनों बराबर हो गया। अगर इस टुकी को हम ज्वाइंट करते हैं और इसको हम जब सिलते हैं तो ये हमारा छोटा हो जाएगा, इसीलिए इसको हम कभी भी ज्वाइंट नहीं करेंगे, इससे हम दूसरा पेपर पे कट करेंगे। तो देखिए ये दोनों हमारा बराबर हो गया है। तो देखिए ये हमारा इस तरह करके ज्वाइंट होगा, पहले हम इसको सिलेंगे उसके बाद इसको सिलेंगे और उसके बाद इसको हम इस तरह। और बाजू के लिए देखिए हम पहले 4 फोल्ड करेंगे। देखिए उस पहले 2 फोल्ड करेंगे, उसके बाद फिर से 2 फोल्ड करेंगे, यानी 4 फोल्ड करेंगे। और ये हमारा बाजू का लेंथ जो है 4.25 इंच है, तो इस जगह जो होगा हम 2.5 इंच लेंगे या 2 इंच लेंगे। उसके बाद हम का इस जगह से हम इसमें मिलान करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस जगह हम 2 इंच ले लिए हैं। देखिए हम 2 इंच और इसका भी भाग को कट कर लेंगे, 2 इंच इधर काटेंगे और इधर 4.25 इंच था। और इसको भी हम थोड़ा थोड़ा इस तरह करके हेम काज करने के लिए इस तरह हम मोड़ सकते हैं। तो आपका अगर कपड़ा बड़ा है, अगर आप बाजू ज्यादा पहनना चाहते हैं तो अगर आप 6 इंच पर लेते हैं तो इधर 3.5 लीजिएगा, इधर की लेंथ आपका 6 इंच होना चाहिए। और जितना बाजू लीजिएगा उस 2.5 इंच घटा दीजिएगा, इधर 6 लिए हैं तो इधर आप 3.5 लीजिएगा। और 2 भाग उठाकर ऊपर से थोड़ा थोड़ा कट कर लीजिएगा जो आपका आगे ज्वाइंट होगा। इससे क्या होगा, आपका बाजू का जो होगा यहाँ घूमचेगा नहीं और आपका कंधा से बाजू कभी नहीं उतरेगा। हमारा काज पट्टी है और एक हम हुक पट्टी निकाल लेंगे, आप देख सकते हैं। और गला के लिए जब भी कपड़ा कट होता है याद रखिएगा तिरछा कट होता है, गला हमेशा हमारा तिरछा ज्वाइंट होगा। तो देखिए अगर आपको मेरा वीडियो बनाना अच्छा लगा तो मेरा
चैनल सो को। गाइस आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। एंड ये वीडियो मतलब राजेश मोदी के लिए था, जो हमेशा हमें कमेंट करके पूछते हैं, तो हमने वीडियो बना दिया है, हमने अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो हम निभा दिया है। तो आप भी हमारे वीडियो को लाइक करके अपना वीडियो को आगे बढ़ाइए एंड हमारे वीडियो को भी आगे बढ़ाइए। हाँ तो हमको भी कुछ पूरा करना सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर आप हमारे पूरा वीडियो देखते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हाँ, नीचे जो डाउन में नीचे जो दिया गया रेड कलर का बटन, उसको भी क्लिक करके बगल के बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा एंड आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, उसी में से ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन ऑन कर दीजिएगा, तो जिससे आपके हमारे सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय। और आपका हर रिक्वेस्ट हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम आसानी से बताएंगे। हर चैनल को, हर वीडियो को बताएंगे। ऐसे हम अभी तो ब्लॉग ही कट रहे हैं, ऐसे हमारा भी दीपावली का टाइम चल रहा है और कल है दीपावली और छठ पूजा है, इसके लिए अभी हम आपका वीडियो थोड़ा रिक्वेस्ट जो है हम लेट से पूरा कर पाएंगे, ताकि हमारे घर में जो है पर्व होगा छठ पूजा, और इसके चलते हम वीडियो आपको लोड नहीं कर पाएंगे और आपका रिक्वेस्ट लेट से पूरा करेंगे। बाकी हर आदमी को रिक्वेस्ट पूरा करेंगे और मेरा चैनल को इसी तरह लाइक करते रहिएगा, देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिए। सब्सक्राइब करना तो ना भूलिएगा। और ये हमारा 1 साल में आपको 1000 तक पुराना है और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को इतना लाइक दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा भी इच्छा पूरा हो जाए और हमको ये समझ में आए कि मेरा वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं और सीख सकते हैं आसानी से। ऐसे तो हम ऑफलाइन भी सिखाते हैं, तो मेरा सबको सिलाई अब मेरा पूरा हो चुका है, सिर्फ अब सूट बाकी है और टुकी ब्लाउज सबका समझ आ गया है। तो उसी तरह हमको आपसे भी हमको अथी है, क्या रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरा चैनल देख के आसानी से घर बैठे सीख सकते हैं। सिर्फ आपको कुछ लगेगा नहीं, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही लगेगा बस। सो आप छठ पूजा का ब्लॉग हमारे एक और चैनल खुशी खुशी ऑफ द क्वीन में आप देख लीजिएगा एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय।